नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। रविवार को दोपहर में एक दुकानदार के साथ एक लूट की वारदात हो गई। कट्टे की नोक पर दुकानदार से मोबाइल और 10,000 रुपए लूट कर भागे आरोपी को फरियादी के साथ पकड़ने गई पुलिस पर भी कट्टे से हवाई फायर करते हुए आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने अपनी गिरफ्त लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 8 में रहने वाले नवल ओझा पुत्र दयाराम ओझा की करेरा रोड रेस्ट हाउस के पास आयरन स्टोर की दुकान है। रोज की तरह अपनी दुकान खोलने जा रहे उक्त दुकानदार को पार्वती नदी पुल के पास राहुल योगी निवासी वार्ड क्रमांक 4 ने रोक दिया था और कट्टे की नोक पर उक्त दुकानदार से 10,000 रुपए और उसका मोबाइल लूट लिया। घटित हुई इस घटना के बाद थाने पहुंचे उक्त दुकानदार ने पुलिस से फरियादकार पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। वहीं उसके बाद फरियादी द्वारा बताया कि पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़ने वार्ड क्रमांक 4 में उसके निवास पर पहुंचे। पुलिस और फरियादी को देख आरोपी ने कट्टा तानते हुए हवाई फायर कर दिया और भागने की कोशिश की। इसी बीच कड़ी मशक्कत कर पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को दबोच लिया और थाने ले गए। ओझा की रिपोर्ट पर एक एफ आई आर हुई थी 327/294/341 की कि ये इसे धमकी दे रहा, पैसे के लिए मांग कर रहा, कट्टे मारने की धमकी दे रहा। इस सूचना पर पुलिस आज आरोपी राहुल बाबा के घर पर गई थी तो वो पुलिस के सामने कट्टा लहराता हुआ गलियों में से भाग गया था तथा नदियों से बसोड़ी पर मिला था। तब पुलिस ने उसके कब्जे से एक 315 वर्ग का कट्टा जिंदा कारतूस पकड़ा था। वहाँ उसके 25/27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई तथा 327 में भी सवाल गिरफ्तार किया गया। सर और भी मामलों में शामिल होने की, हाँ इसके और भी मामले में सूचना है शामिल होने की है। ये कई लोगों को धमकी दे चुका है और लगातार इस पर पूछताछ की कर रहे हैं और मामलों की जानकारी दी जा रही है।